जिला ऊना की गगरेट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने शुक्रवार को डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है। चैतन्य शर्मा ने संपर्क कुठेड़ा जसवाला में घर घर जाकर लोगों के समक्ष अपना विजन रखकर जन समर्थन मांगा, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। चैतन्य शर्मा ने आगे कहा कि अपने देश में राम मंदिर का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेता आज खुद जनता को माता रानी की कस्में देकर वोट मांग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है और उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत इसका संज्ञान लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में देश धर्म की बजाय सिर्फ वोट बैंक की कद्र होती है, इसी वजह से उन्होंने मजबूर होकर राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया। राज्य सरकार ने इन 15 महीनों में अपनी 10 गारंटियों को बंद डब्बे में रख दिया है और अब लोकसभा चुनाव में फिर से महिलाओं को 1500 देने की दुहाई दी जा रही है। एक तरफ फॉर्म भरवाए जा रही हैं और दूसरी तरफ 700 करोड़ का सरकार कर्ज लेने जा रही है। यहीं से सुक्खू सरकार की झूठी गारंटियों की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।